नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑटोमोटिव सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मेरे पास जो कस्टमर का कंसर्न आया है वो क्यूट गाड़ी है, उसके अंदर प्रॉब्लम है। मीटर में कोई भी इंडिकेशन नहीं आ रहा है, आप देख सकते हो। मेरा इग्निशन स्विच भी ऑन है लेकिन वापस अगेन कर रहा हूँ, पर मेरा मीटर में एक भी लाइट नहीं आ रहा। तो मैं इसको कैसे डायग्नोज करता हूँ वो वीडियो में दिखाऊँगा। तो सबसे पहले क्या स्टेप मेरे को करना है, सबसे पहले मेरे को इंस्ट्रूमेंट पैनल का इंटरनली फ्यूज चेक करना है, जो कि फ्यूज कंपार्टमेंट में है, लेफ्ट साइड पिलर की साइड में। आप देख सकते हो एक लाइट भी मेरा जल रहा है, एक्स्ट्रा उसने लगा रखा है। तो मैं इधर का फ्यूज के सारे फ्यूज चेक करता हूँ। तो इस प्रोसेस के लिए सबसे पहला स्टेप फ्यूज बॉक्स ही होता है, जो मैंने रिमूव कर रखा है। मैं वन बाई वन एक बार फ्यूज चेक करके आपको बताऊँगा। इसने काफ़ी सारे आउटसाइड लगा रखे हैं, तो पहले मैं सबसे पहले वन बाई वन निकाल के एक को ट्रेस करता हूँ। वन बाई वन मेरे को फ्यूज चेक करना है। फ्यूज तो इसने आउटसाइड लगा रखे हैं, सब कुछ उल्टा पुल्टा लगा रखा है। तो मैंने अंदर के इंटरनल सारे फ्यूज चेक कर लिए हैं, फिर मेरा इसमें कोई भी फ्यूज मेरे को ब्रोकन नहीं मिला है। तो आपको एक कंडीशन और दिखा देता हूँ कि मेरी गाड़ी भी स्टार्ट है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अंदर के सारे फ्यूज बाहर के लगा रखे हैं, पर मेरा गाड़ी स्टार्ट है और प्रॉब्लम भी कुछ नहीं आ रहा है, ओनली मीटर में कोई भी लाइट नहीं आ रही, वो वीडियो में दिखाऊँगा मैं आपको। तो आप देख सकते हो मैंने इग्निशन स्विच ऑन कर दिया, ट्रेन कर दिया, पर आप मीटर में एक भी लाइट नहीं है, ये भी इफेक्ट है। तो गाड़ी स्टार्ट है, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं आ रहा है। तो एक बार बाहर वाले फ्यूज भी मैं चेक करता हूँ वन बाई वन, वो भी दिखाता हूँ आपको। गाड़ी मेरा स्टार्ट है, देख सकते हो गाड़ी मेरा स्टार्ट है। तो गाड़ी को ऑफ करके मेरे को वन बाई वन सारे फ्यूज चेक करूँगा। मैंने गाड़ी ऑफ कर दिया है, तो एक बार मेरे को वन बाई वन सारे फ्यूज चेक करूँगा। स्टार्टिंग वाले तो मेरी गाड़ी स्टार्ट हो रहा है, वैसे इधर से कोई लिंक नहीं है स्टोर पैनल का, तो मैं एक बार देख लेता हूँ। तो मेरे सारे फ्यूज ओके हैं, फाइनली मैंने कंप्लीट सारे रिले फ्यूज चेक कर लिए हैं अंदर बाहर के, कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिला है मेरे को। तो नेक्स्ट स्टेप करते हैं फ्यूज एंड रिले चेक करने के बाद में। अब मेरा डायरेक्टली कुछ नहीं बचता है, एक बार स्कैन टूल करूँगा मैं गाड़ी को, तो स्कैन टूल करके दिखाता हूँ आपको। तो मैंने स्कैन टूल लगा लिया है, स्कैन टूल के बाद में इसको कम्प्लीट वैलिडेट कर रहा हूँ। तो फ्यूज एंड रिले चेक करने के बाद में अब कुछ नहीं बचता, मेरा स्कैन टूल से स्कैन करना ज़रूरी होता है। देखते हैं इसमें क्या कंडीशन है और कंडीशन के बाद में क्या उसमें कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आप देख सकते हो मेरा ये कंप्यूटर डिटेक्ट नहीं कर रहा, इंस्ट्रूमेंट एबीएस तो मेरे इसमें गाड़ी में है नहीं और गाड़ी में एयरबैग भी नहीं है, तो ये दोनों तो डिटेक्ट नहीं होने हैं। बचता है मेरा इंस्ट्रूमेंट पैनल, तो इंस्ट्रूमेंट पैनल भी नो डिटेक्ट हो रहा है मेरा, आप देख सकते हो। और फिर नेक्स्ट बचता है मेरा इसमें क्या कोड आ रहा है इंजेक्शन कंप्यूटर में, तो इंजेक्शन कंप्यूटर में काफ़ी कोड आ रहे हैं, चलो इनको बाद में करेंगे। पहले सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट पैनल डिटेक्ट नहीं हो रहा है, तो मेरे को एक बार इंस्ट्रूमेंट पैनल एक बार ओपन करके देखता हूँ क्या कंडीशन है। अगर फिर भी अगर सही कंडीशन हुआ तो मैं एक बार दूसरा रिप्लेस करके देखूँगा कि मेरा लाइट आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा फ्यूज़ रिले ओके है और इसमें डिटेक्ट भी नहीं हो रहा है कंप्यूटर में। आप देख सकते हो मेरा कंप्यूटर डिटेक्ट नहीं हो रहा है इंस्ट्रूमेंट पैनल, जो कि होना चाहिए। तो गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल स्टार्ट है, फिर वापस अगेन स्टार्ट कर देता हूँ।
गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, पर लाइट नहीं आ रहा है। तो इस फॉल्ट को ट्रेस कैसे किया है वो वीडियो में मैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। तो अब मेरा नेक्स्ट जो करना है, मेरे को इंस्ट्रूमेंट पैनल चेक करना है, तो मैं इंस्ट्रूमेंट पैनल को रिमूव करूँगा। सबसे पहले मेरे को ये कवर हटाना है, और इसके बाद में ये क्योंकि मैं कवर हटा रहा हूँ, तो इसमें जो बिट लगेगा वो 20 का लगेगा, वो 20 के बिट से ही ओपन होता है, क्योंकि ये बाहर की कंपनी है तो इस तरीके के नट देती है इनके। तीनों नट रिमूव कर लिया है, बाहर निकालूंगा एक बार मीटर को। तो आप देख सकते हैं मैंने कंप्लीट बाहर रिमूव कर लिया है, क्योंकि मेरा पार्ट नंबर है 248104 6, क्योंकि मेरे को सेम पार्ट नंबर का ही लगाना पड़ेगा। ये देख सकते हो, अब उसमें तो मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, मैं एक बार दूसरा मीटर लगा के एक बार चेक करूँगा। तो न्यू मीटर ला रहा हूँ मैं, एक बार इसको साइड में रखता हूँ। आप देख सकते हो मैंने नया मीटर ले लिया है, तो एक बार इसको ओपन करके एक बार नया डाल के चेक करना पड़ेगा। एकदम फ्रेश मीटर निकला मेरा, तो ये डाल के आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हो सेम मीटर है मेरा, तो मैं लगा के आपको दिखाऊंगा वीडियो में कि मेरा इग्निशन ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इंस्टॉल कर रहा हूँ, कर दिया है। तो आप देख सकते हो मैंने इग्निशन स्विच ऑन करना है, जो लगा दिया है, कम्प्लीटली सारी लाइटें आ गई है जो कि आनी चाहिए। तो मेरा फाइनली मेरे को डायग्नोज में मिल गया है कि मेरे को क्या बदलना है। तो मेरे को इंस्ट्रूमेंट पैनल रिप्लेस करना है, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट पैनल का प्रॉब्लम था, तो इसको मैं अब रिप्लेस करने के लिए मेरे को कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, उसके बाद में ही मैं कुछ कर पाऊँगा। तो फाइनली मेरा जो प्रॉब्लम मिला है वो इंस्ट्रूमेंट पैनल का था। गाड़ी भी स्टार्ट हो रहा है पर डिस्प्ले में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन का जब भी केस आए आपके पास, तो ऐसे केस में आपको कैसे डायग्नोज करना है, वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप फॉलो करना है। तो मैं आपको क्लिप टूल में भी दिखा देता हूँ कि मेरा कनेक्ट हुआ नहीं है। तो मैं दोबारा से अगेन स्कैन कर रहा हूँ, स्कैन करने के बाद ही बताऊँगा मैं कि मेरा कनेक्ट हुआ नहीं है। तो आप देख सकते हो मेरा इंस्ट्रूमेंट पैनल कनेक्ट हो गया है, यूसीएच भी कनेक्ट हो गया है। तो ये तो मेरे को क्या कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, तो इसके बाद मैं कॉन्फ़िगरेशन करके गाड़ी स्टार्ट करके दिखाऊंगा। एक एन कम्युनिकेशन वगैरह की लाइट आ रही है, तो सारे कंप्यूटर कनेक्टिविट हो गए हैं। तो मेरा फॉल्ट है वो फाइनली इंस्ट्रूमेंट पैनल का है, तो मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन करके गाड़ी को स्टार्ट करके बताऊँगा आपको। यहाँ तक का फिटिंग कर दिया है, कंप्लीट फिटिंग करूँगा इसकी मैं, देख सकते हो फिटिंग कर दिया। और आप देख सकते हो किलोमीटर भी मेरा 0-0 आ रहा है, इसलिए 0-0 आ रहा है कि अभी ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ है। तो कॉन्फ़िगरेशन करके आपको दिखाऊंगा, वही रीडिंग आ जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन तो मैं आपको दिखा नहीं सकता कैसे मैंने डायग्नोज टूल से किया है, क्योंकि कुछ लीगल होती है चीज़ें। तो आपको स्टार्ट करके दिखाऊँगा डायरेक्टली मैं, तो मैं पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ। अब मीटर के अंदर देखना, जैसे ही मैं रेंटलाइज करूँगा मेरा किलोमीटर ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है। मीटर के बाद में मेरे को ECH भी कॉन्फ़िगरेशन करना है, जो कि मैं कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मेरे कॉन्फ़िगरेशन तो गया, अब ECH को प्रोग्राम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा देखो लॉक की काम नहीं कर रहा है, और वो नहीं करेगा क्योंकि मेरे को ये मेरा मीटर ही BCM होता है इस गाड़ी के अंदर। तो चाबी को मेरे को प्रोग्राम करना पड़ेगा ECH के अंदर, तो चाबी मैं इसकी प्रोग्राम करूँगा, उसके बाद मैं लॉक अनलॉक दिखाऊँगा और गाड़ी स्टार्ट करके दिखाऊँगा। क्योंकि इसका मीटर और BCM दोनों एक ही है, तो इसका UCH जब भी इंस्ट्रूमेंट पैनल डालना होता है, तो चाबी को प्रोग्राम, UCH का कॉन्फ़िगरेशन और इंस्ट्रूमेंट पैनल का कॉन्फ़िगरेशन, तीनों चीज़ ही करनी पड़ती है, जो कि मैं कर रहा हूँ। तो मेरा प्रोग्राम हो रहा है UCH भी, आप देख सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने प्रोग्राम कर दिया है, मैं लॉक अनलॉक करूँगा, तो मेरा की काम करने लग गया है, तो मेरी गाड़ी प्रॉपरली स्टार्ट हो जाएगी, जो कि मैं आपको स्टार्ट करके दिखाऊँगा। आप देख सकते हो मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, अभी चेक लाइट आ रहा है, तो इसका तो मैं देख लूँगा। लेकिन जो लाइट नहीं आ रही थी उसके बारे में मैंने आपको वीडियो में कैसे बताया, कैसे प्रोसेस को फॉलो करना है, वैसे फॉलो करके आप डायग्नोज कर सकते हो। तो
तो चेक लाइट आ रहा है, चेक लाइट का मैं आपको दिखा देता हूँ। डाउन स्टेम ऑक्सीजन सेंसर सेटिंग सर्किट का लाइट आ रहा है, जो कि आपको पैरामीटर में वैल्यूज दिखाऊंगा। डाउन स्टेम ऑक्सीजन सेंसर सर्किट, सेंसर वोल्टेज सर्किट, तो 16061 आ रहा है, तो ये मेरा काम नहीं कर रहा, तो मेरा फॉल्टी ऑटो सेंसर भी है जो कि कस्टमर को मैंने अपडेट कर देना है। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना हम ना भूलें। थैंक यू।